हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग सीखो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए डबल कलर का ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, देखने में सुंदर है और ये बनाने में बहुत ही इजी है। इसे हर कोई बना सकता है, बिगनर्स जो हैं वो भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए, ये पीछे से ऐसा रहेगा ये डिज़ाइन। और आगे ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ बॉर्डर जो है ये बनाया हुआ है। उसके बाद जब बॉर्डर हमारा बन जाता है, उसके बाद हम इस डिज़ाइन को स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा डिज़ाइन जो है सीधी साइड से ही स्टार्ट होगा। ये देखिए, पहला फंदा जो है हम इसको सीधा बनाएंगे, ऐसे कर ये सीधा बनाएंगे। दूसरे फंदे को ऐसे रखेंगे। अब हम दूसरी ऊन लगाएंगे रेड कलर की, इसको ऐसे घुमाएंगे और इसको इस पर ऐसे डाल देंगे, ऐसे कर। ये एक हो गया। अब दो, अब इसको हम घुमाएंगे एक और दो कर हम इसको ऐसे घुमाएंगे, फंदा बनाएंगे एक और दो, दो बार इसको हमने घुमाना है ऐसे। फिर ऐसे करेंगे एक और दो। ये तीन फंदे जो हैं हमने रेड के बनाए हैं, अब हम इसको वाइट से बनाएंगे। ऐसे ही तीन फंदे ऐसे करेंगे, सीधा बनाएंगे, दो बार इसको घुमाएंगे एक ये दो, ऐसे करके घुमाना दो दो बार। ये तीन फंदे, ये देखिए एक दो और तीन फंदे हो गए हैं। अब इसको करेंगे, अब हम रेड कलर की ऊन लगाएंगे, टू वन और टू करेंगे ये। फिर दूसरा फंदा एक दो और ये तीन, ये देखिए ये तीन फंदे जो है हमने रेड के बनाए, तीन हमने वाइट के। ऐसे ही जो है हमारी कंटिन्यू जो है ये डिज़ाइन इसमें ऐसे चलेगा सीधी सिलाई में। आप इसमें फंदे कोई कितने भी जितने आप डालना चाहें अपने स्वेटर के अकॉर्डिंग आप उसमें डाल सकते हैं। हो गया दो फंदे और ये हमारा तीसरा फंदा। दो बार ऐसे कर इसको लपेटना है, पूरी सिलाई ऐसे ही बनेगी। अब रेड कलर का लगाएंगे हम धागा। अब ये फिर हमने पहले वाइट से एक फंदा जो है हमने वाइट से बनाया सीधा, फिर तीन फंदे हमने रेड के, ये तीन, ये अलग अलग कलर से हम रेड और वाइट करते हुए गए। अब ये हमारा लास्ट आने वाला, अब ये रेड है तो अब हम इसमें वाइट कलर का धागा लगाएंगे। ऐसे दो बार धागे को घुमाएंगे, इसको निकाल देंगे। ये एक फंदा हो गया हमारा, ये दो और ये तीन, तीन तीन फंदे करते हैं लपेट लपेट। अब ये लास्ट फंदा रह गया, इसको हम इस वाले धागे से, दूसरे से इसको हम सीधा एज इट इज़ इसको हम बना देंगे ऐसे कर। अब हमारी आएगी उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई जो है अब इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे उल्टा ही, लेकिन रेड पर हमने वाइट बुनना है ऐसे कर ऐसे। पहला फंदा तो एज इट इज़ ही बनेगा। अब हम इन फंदों को खोलेंगे, दो और ये तीन फंदे हमने खोले। अब अपनी लेफ्ट वाली सिलाई में इसको ऐसे ले लेंगे ऐसे कर फिर इसमें डालेंगे ये ऐसे। अब हम इसको रेड धागे से बनाएंगे ऐसे। ये हो गया उल्टा, धागा पीछे, इसी में से ही तीन फंदों में से ही हम इसको बनाएंगे सीधा ऐसे, धागा आगे करेंगे, फिर इसमें से बनाएंगे हम उल्टा। ये तीन फंदे जो हमने इसमें से बनाए, अब तीन फंदे ही हमने यहाँ पर बढ़ा दिए। अब इन तीनों को हमारे को ऐसे हम नीचे गिरा देंगे। थोड़ा लूज हाथ से बनाना, टाइट होगा तो डिज़ाइन नहीं आएगा अच्छी तरीके से। अब इनको खोलेंगे, दो तीन, अब इनको लेफ्ट वाली सिलाई पर ले लेंगे, इसमें लेंगे। अब रेड पर हमने वाइट धागा यूज़ करना है, सीधा नहीं उल्टा सॉरी। अब ये सीधा ऐसे, अब ये उल्टा। ये तीन फंदे हमने बनाए, तीन फंदे ही हम यहाँ पर गिरा देंगे ऐसे कर। फिर इन तीनों वाइट वाले को हम खोलेंगे, दो ये तीन, इस सिलाई पर लेंगे इसको। वाइट बसे बना हुआ ये, अब हमें इसमें रेड लगाना है, ये ध्यान रखना है, कलर जो है उसको चेंज करना है। अब बनाएंगे हम सीधा, ऐसे कर तीन फंदे बन चुके हैं। अब इनको हम निकाल देंगे, अब रेड वाले खोलेंगे। सीधी सिलाई में हमने ये लपेटे थे और उल्टी सिलाई में हम इनको खोल रहे हैं। उल्टा बनाया, धागा पीछे, फिर सीधा और ये वापस उल्टा हो गया। ये हो गए हमारे तीन फंदे, ये फिर बन गए, इनको अब निकाल देंगे।
ऐसे ही हमारी जो सिलाई है वो पूरी कंप्लीट होगी उल्टी सिलाई। ये लास्ट आ गया हमारा, ये इसमें अब इसको खोलेंगे फंदों को, वन ये टू और ये थ्री। ये थोड़ा हमने लपेटा था स्टार्टिंग में धागा लगाने के लिए, इसको भी हम ऐसे ही निकाल देंगे और इस धागे को थोड़ा सा हम खींच देंगे ताकि निकले नहीं, जो गए तीन। अब इसको हम इस वाली सिलाई पर लेंगे, रेड से रेड धागा लगाया हुआ, अभी हमने इसमें वाइट लगाएंगे। इसको बनाने के लिए बनाएंगे उल्टा धागा पीछे ऐसे ही, ये सीधा और ये उल्टा, ये ऐसे करके ये। अब इन तीनों फंदों को निकाल देंगे, ये तीन फंदे हम यहाँ पर बढ़ा चुके हैं। अब ये वाइट से बनाया हुआ है, अब हमने इसको रेड से बनाएंगे उल्टा ही फंदा ऐसे ही। अब आएंगे अपनी हम सीधी सिलाई पर, ये देखिए डिज़ाइन जो है बनना स्टार्ट हो गया। ये देखिए बहुत सुंदर है डिज़ाइन लगता है और ईजी बहुत है। अब ये हमने रेड से बनाया हुआ है, अब इसको हम वाइट से बनाएंगे सीधा फंदा ऐसे कर। अब इस फंद वाइट से बना हुआ है, अब हमने इसमें रेड कलर का धागा लगाना है। एक दो बार घुमाएंगे इसको ऐसे कर, ये वाला फंदा लेंगे दो और ये तीन। वाइट पर रेड लगाना है, अब रेड पर वाइट लगाएंगे हम धागा, ये ऐसे करेंगे इसको ऐसे पीछे से ऐसे कर इसके ऊपर से ऐसे लेकर आ जाते हैं इसको, ये दो, ये सॉरी एक। अब ये हो गया, दो बार घुमाना है इसको, ये दूसरा फंदा हो गया हमारा और ये हमारा तीसरा फंदा हो गया, ये ऐसे कर ये ऐसे। अब वाइट है, अब इस पर हमने रेड लगाना है ऐसे ही, जैसे हमने पहली सिलाई बनाई थी ऐसे ही हमने ये अपनी दूसरी सिलाई बनानी है। देखिए दो और ये तीन, धागे को थोड़ा लूज कर बनाएंगे तो डिज़ाइन जो है वो अच्छा बनकर आएगा। अब रेड है, अब इसमें वाइट लगाएंगे, दो बार इसको हमने घुमाया, ये एक फंदा हो गया, इसको दो बार, ये दूसरा फंदा और ये तीसरा फंदा, इसको आप निकाल देंगे। फिर अब वाइट पर है, अब इस पर हमने रेड लगाना है, ये एक फंदा, ये दो और ये तीन। अब ये रेड है, इस पर हम वाइट लगाएंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग की थी सेम ऐसे ही ये वाले लाइन चलेगी हमारी, ऐसे दो और ये तीन, ये करेंगे एक, ये दो और ये तीन। बस ये ध्यान रखना है आपने कि जो जिस कलर का हम धागा चल रहा है हमारा उससे अलग धागा लगाना है। जैसे अब ये रेड है तो अब इसमें हमने दूसरे कलर का जो हमने धागा यूज़ कर रहे हैं वो हमने अलग कलर का लगा कर, ये ऐसे एक दो। बस बाकी डिज़ाइन जो है वो ऐसे ही सिंपल है। ये वाइट आ गया लास्ट में, अब इस फंदे को हमने ऐसे ही इसको सीधा हम इसको ऐसे ही बना देंगे। सिलाई जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसको अपनी बैक साइड वाली जैसे देखिए ये वाली उल्टी सिलाई पर आएंगे हम, अब इसको बनाएंगे। ये हमारा रेड वाला धागा बना हुआ है, ये वाला फंदा इसको लेंगे, रेड को हटा देंगे, अब हम इस पर वाइट से बनाएंगे उल्टा फंदा ऐसे। अब इन फंदों को खोलेंगे ऐसे कर, ये तीन फंदे हो गए। अब इसको लेफ्ट सिलाई में लेंगे ऐसे कर, और अब इसमें वाइट से है ये बना हुआ तो अब हम इसमें रेड लगाएंगे। पहला फंदा हमारा उल्टा होगा ऐसे, धागा पीछे, इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे ऐसे और वापस जो है उल्टा उल्टी सिलाई कर रहे हैं तो वापस हमारा ये उल्टा ही फंदा हमारा ये इसको बुनना है ऐसे। अब तीन फंदे हमने ये बुने हैं, तीन फंदों को हम निकाल देंगे। अब इसको निकालेंगे एक दो और तीन, धागे को बिल्कुल खींचना नहीं है, खींचेंगे तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा जो हम बनाना चाहते हैं। उल्टा अब ये सीधा ऐसे, धागा आगे और अब ये उल्टा, ये देखिए। फिर इन फंदों को खोलेंगे दो और ये तीन, अपनी लेफ्ट वाली सिलाई में लेंगे, अब बनाएंगे एक उल्टा उल्टा, धागा पीछे, ये हो गया सीधा, अपनी साइड लाएंगे और ये उल्टा। अब इन फंदों को निकाल देंगे।
ऐसे ही हमारी जो है उल्टी सिलाई ऐसे ही हमारी कंप्लीट होगी। ऐसे कर कर ये देखिए, लास्ट आगे सिलाई फंदे हमारे, एक ये दो और ये तीन। इन फंदों को खोला हमने, लेफ्ट पर लेकर आए, इसको ऐसे कर देते हैं और इसके ऊपर से ऐसे लेकर आ जाते हैं ऐसे। अब ये हम बनाएंगे उल्टा ऐसे, अब ये बनाएंगे सीधा फंदा, अब अपनी साइड करेंगे ऐसे और ये फंदा बनाएंगे हम उल्टा। तीन फंदे हमने बना लिए, अब तीन फंदों को हम यहाँ से गिरा देंगे। अब ये वाइट है, लास्ट वाला फंदा है हमारा, अब इसको हम इसके ऊपर से लाते हुए इस फंदे को एज इट इज़ हम उल्टा ही बना देंगे। ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन, ये देखिए ये बन गया है, बहुत सुंदर डिज़ाइन लगता है। ये देखिए इसका ये जो डिज़ाइन है ये ऐसे कर कर आएगा। ये देखिए ये रेड चल रहा है, यहाँ से ये वाइट ऐसे, ये देखिए टेढ़ा टेढ़ा कर कर ये डिज़ाइन ऐसे कर कर बनेगा। ये मैंने वाइट और रेड लगाया हुआ है, आप इसमें कोई भी कलर लगा सकते हैं। कलर आपको देखने के लिए आप इसके दो जैसे हम दो ऊन लेते हैं ऐसे कर कर, उस ऊन को आप ऐसे घुमा दीजिए ये ऐसे कर कर। ये देखिए इससे पता चल जाएगा कि हमारा डिज़ाइन जो है अच्छा, कौन सा कलर अच्छा लगेगा। आप ऐसे कर कर आप इसको देख कर अपने डिज़ाइन को ऊन से अपना डिज़ाइन जो है बना सकते हैं अपनी पसंद से। ये देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।